हेलो फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं कमिटीज़ एंड कमीशंस की कंट्रीब्यूशन टू टीचर एजुकेशन हमने प्री इंडिपेंडेंट कमिटीज़ की बात कर लिया था और अब हम पोस्ट इंडिपेंडेंट की बात करेंगे सो पोस्ट इंडिपेंडेंट कमीशंस को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन नाइनटीन फोर्टी एट फोटी नाइन वॉज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन इनका क्या रिकमेंडेशन था सबसे पहले कि मोर टाइम टू स्कूल प्रैक्टिस स्कूल प्रैक्टिस पे ज़्यादा टाइम दिया जाए सुइटेबल स्कूल फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए सुइटेबल स्कूल्स हों फ्लेक्सिबल कोर्सेज हों डैट शुड बी अडेप्टल टू लोकल सरकमस्टेंसेज लोकल सरकमस्टेंसेज के अकॉर्डिंग जो कोर्सेज हों वो अडेप्ट हो. उसके बाद है ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन टीचर ट्रेनिंग 1950 एंड 1951 सबसे पहला जो कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेनिंग कॉलेज हुआ वो बरोडा में हुआ 1950 में द कॉन्फ्रेंस डिस्कस प्रोग्राम एंड फंक्शन ऑफ़ द ट्रेनिंग कॉलेज इन द फॉलोइंग ईयर 1951 में द सेकेंड ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट मैसूर सबसे पहला जो है वो बरोडा में हुआ फिर दूसरा मैसूर में हुआ इट डिस्कस द टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन अ ब्रॉडर परस्पेक्टिव एंड सजेस्टेड जूडिंग द टर्म एजुकेशन फॉर ट्रेनिंग एंड वाइड इट्स स्कोप ये मैसूर का ही ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन टीचर ट्रेनिंग था जिसने ट्रेनिंग uh, वर्ड को हटा के एजुकेशन को सब्सिट्यूट किया और हमारा जो ये बीएड है एमएड है इसके स्कोप को बढ़ाया पहले टीचर ट्रेनिंग होती थी अब टीचर एजुकेशन है इन द सेम ईयर सिक्स वीक समर कोर्स इन एजुकेशन वाज ऑर्गेनाइज फॉर कॉलेज टीचर्स एट मैसूर स्लेबी इन टीचर एजुकेशन वर रिज न्यू एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन एडेड एंड प्रैक्टिकल वर्क इम्प्रूव फिर उसी साल मैसूर में सिक्स वीक समर कोर्स आया ऑर्गेनाइज़ हुआ टीचर teacher, टीचर्स um, के लिए तो उसमें सिलेबस जो टीचर एजुकेशन का था वो रिवाइज हुआ न्यू एरिया एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन एड हुए प्रैक्टिकल वर्क इम्प्रूव हुआ ओके देन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन नाइनटीन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री ट्रेनिंग ऑफ ग्रेजुएट टीचर शुड बी ट्रेन इन मेथड ऑफ़ टीचिंग इन एटलीस्ट टू सब्जेक्ट सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था नाइनटीन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री का जिन्होंने कहा कि स्पेशलाइजेशन दो सब्जेक्ट में होनी चाहिए टीचर्स की एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुड नॉट इंक्लूड प्रैक्टिस इन टीचिंग ऑनली बट द कंस्ट्रक्शन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ टेस्ट मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा और सिर्फ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर या और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन करना टेस्ट को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है और फिर एनेक्टॉटल रिकॉर्ड है और जैसे अटेंडेंस शीट्स वगैरह हैं और कम्यूनिटिव रिकॉर्ड्स हैं उनको किस तरह से मेनटेन करना है वो सारी चीज़ें की भी ट्रेनिंग दी जाए इट रिकमेंडेड थ्री ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर एम एड एडमिशन आफ्टर ग्रेजुएशन इन एजुकेशन और तीन साल टीचिंग एक्सपीरियंस ज़रूरी है एम एड में एडमिशन लेने के लिए ये भी इनका रिकमेंडेशन था देन फोर्थ फाउंडेशन टीम नाइनटीन फिफ्टी फोर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद कोलाब्रेशन ऑफ फोर्थ फाउंडेशन अपॉइंटेड एंड इंटरनेशनल टीम ऑफ एट एक्सपर्ट्स ओके फ्रॉम यू एस एंड डेनमार्क यू एस ए और डेनमार्क से कुछ एट्स एक्सपर्ट आए थे जिनके साथ मिल के कुछ रिकमेंडेशनस हुआ था जैसे कि प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक कोर्स ऑफ टीचिंग होनी चाहिए मतलब रियल जो चीज़ रियल है वो पढ़ाएं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करिकुलम में डालें जिनका मतलब कोई रिलेवेंस ना हो ओके सिस्टम ऑफ ब्लॉक प्रैक्टिस विद प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ सुपरविजन एंड गाइडेंस सुपरविजन गाइडेंस के साथ ब्लॉक प्रैक्टिस हो डिमांसट्रेशन लैबोरेटरी की बात की गई जिसमें टीचिंग को लेकर एक्सपेरिमेंट हो सके करिकुलम कंस्ट्रक्शन टेस्ट कंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी के रिलेटेड uh, मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकें और अगर अच्छा है तो वो फिर आगे मतलब प्रैक्टिस में आए ठीक है तो ये था फिर है पार्ट्स कमेटी नाइनटीन फिफ्टी सिक्स दिस कमेटी अंडर ई ए रिकमेंड रिकमेंडेड प्रैक्टिकल वर्क शुड बी गिवन एज मच वेटेज एज द थ्योरी पोर्शन द एग्जामिशन पेपर शुड बी रेड्यूस टू फोर इन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल वर्क का भी वेटेज उतना तो ही होना चाहिए जितना कि थ्योरी पोर्शन का मतलब बराबरी होनी चाहिए प्रैक्टिकल वर्क और थ्योरी वर्क में ओके प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन मेथड ऑफ टीचिंग टू स्कूल सब्जेक्ट्स एंड करेंट प्रॉब्लम्स इन इंडियन एजुकेशन ये चार पेपर बनाए मतलब ये चार पेपर होना चाहिए बी में या कहिए कि एजुकेशनल ट्रेनिंग में ये इनका रिकमेंडेशन था द नेशनल एजुकेशन कमीशन नाइनटीन सिक्सटी फोर सिक्सटी सिक्स इसमें ये स्टेटमेंट है जो कि इन्होंने टीचर एजुकेशन के लिए यूज़ किया और ये याद रखिएगा ये मतलब नेट वगैरह में भी पूछ लेता है कि ये स्टेटमेंट किस कमीशन के अंदर था कि ऑफ ऑल फैक्टर विच डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट द टीचर इज़ अनडाउटडली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट it is on his personal qualities and character, his educational qualification and professional competence, that the success of all educational endeavor must ultimately depend. teacher must, therefore, be accorded an honored place in society. their emoluments and other service conditions should be adequate and satisfactory having regard to their qualification and responsibilities kothari commission showed keen interest in teacher education okay it observed that a sound program of professional education for teacher in service means uh, in service training was essential for the qualitative improvement in education at all level of teacher education to meet the requirement of the national system of education kothari commission in national system of education focus on three language formula vocationalization of education modernization okay तो uh, जो भी डेवलपमेंट हो टीचर का वो प्रोफेशनली इक्विप्ड करे मतलब ओके okay? टीचर को ताकि वो बच्चे को नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ा सके ओके एडिक्वेट फाइनेंशियल प्रोविजन शुड बी मेड एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल इसके लिए इन्होंने ये कहा कि स्टेट और नेशनल दोनों को प्रॉपर फाइनेंस देना है प्रॉपर प्रोविज़न होना चाहिए फाइनेंस का एजुकेशन के रिलेटेड ओके okay? फेवरेबल एंड एडोकेट सर्विस कंडीशन फॉर टीचर एंड नेसेसरी फ्रीडम टू कंडक्ट रिसर्च एंड टू पब्लिश दो फाइंडिंग उन्होंने ये भी कहा कि टीचर के पास भी ये राइट होनी चाहिए कि वो या इस तरह की उसके पास कंडीशन होनी चाहिए ताकि वो फ्रीली रिसर्च कर सके इस फील्ड में ओके okay, और उस फाइंडिंग को पब्लिश भी कर सके तो नेशनल एजुकेशन कमीशन का टीचर एजुकेशन के रिलेटेड बहुत अच्छे रिकमेंडेशनस थे देन है बड़ोडा स्टडी ग्रुप नाइनटीन Uh, ये हमने पहले भी पढ़ा 1950 और 51 में था ब, मतलब 1950 में सबसे पहले बड़ोडा स्टडी ग्रुप था आया था एंड देन या कह कंडक्ट हुआ था देन इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विद एन सी बड़ोडा स्टडी ग्रुप फिर सेटअप से हुआ 1964 में इसमें रिकमेंडेशन था कि ड्यूरेशन ऑफ बी एक साल का हो जाए सेल्फ स्टडी को ज्यादा इन्होंने इंक्रेज किया और कहा कि स्पेशलाइजेशन इन वन टीचिंग सब्जेक्ट रादर दैन टू कि बस एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन हो दो में होने की जरूरत नहीं है देन फर्स्ट एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन टीचर एजुकेशन नाइनटीन सेवनटी वन दैट जॉइंटली स्पॉन्सर्ड बाई इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर एजुकेशन एंड द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन फॉर टीचिंग वॉज हेल्ड फ्रॉम टू फ्रामीन टूटीटी जो नाइनटीन सेवनटी वन एट बैंगलोर ये जो फ़र्स्ट एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन टीचर एजुकेशन था ये इंटरनेशनल था ये बेंगलोर में सेटअप हुआ था फोर्टीन टू नाइनटीन जून नाइनटीन सेवेंटी वन मतलब इंटरनेशनल कॉन्सेंट। एजुकेशन फॉर टीचिंग के साथ आई आई टी ने मिल के ये हेल्ड किया था तो ये जो था इसमें ये रिकमेंड हुआ कि प्रोग्राम ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन इन ईच कंट्री शुड बी मॉडिफाइड टू मीट द न्यू चैलेंजेस जो न्यू चैलेंजेस आ रही थी जो न्यू डिमांड्स थी उनके अकॉर्डिंग एक मॉडिफिकेशन जरूरी है स्कूल एजुकेशन को भी और टीचर एजुकेशन की भी को भी मतलब ये तो एक दूसरे से लिंक्ड है ना मतलब टीचर एजुकेशन में भी चेंज आना ज़रूरी है तब जाके स्कूल एजुकेशन में भी आएगा या स्कूल एजुकेशन में चेंज आएगा तो टीचर एजुकेशन में भी चेंज आना ज़रूरी है राइट right. देन uh, ने नेशनल कमीशन ऑन टीचर नाइनटीन एटी थ्री टू एटी फाइव इसमें पहले इन्होंने तीन तरह के टीचर एजुकेशन की बात की थी सबसे पहले तो फोर ईयर इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग कोर्सेज आफ्टर सीनियर सेकेंडरी मतलब चार साल का ग्रेजुएशन टाइप वाला लाइक बी ए बी एड बी एस सी बी एड बी कॉम बड इस तरह का कोर्स होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी के बाद ट्वेल्थ के बाद फिर वन ईयर बी एड शुड बी एक्सटेंडेड बाई टू समर मंथ एंड अकेडमिक सेशन ऑफ टू ट्वेंटी डेज दो सौ बीस दिन का एक साल का बी एड होना चाहिए दो समर मंथ तक का ठीक है देन फॉर एलिमेंट्री टीचर्स इट इज़ डिज़ायरेबल टू हैव अ टू ईयर ट्रेनिंग कोर्स आफ्टर क्लास ट्वेल्थ एलिमेंट्री टीचर्स के लिए मतलब जो बेसिक टीचर्स हैं बेसिक में पढ़ाने वाले तो उन उनके लिए दो साल का ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए ट्वेल्थ के बाद का ओके okay. देन है नेशनल Policy of Education 1986, NP 1986 recommended that teacher education is a continuous process and ए कंटिन्यूस प्रोसेस and इट्स प्री सर्विस एंड इन सर्विस कॉम्पोनेंट्स आर इनसेपेरेबल जो एन पी नाइनटीन एटी सिक्स है इनका ये कहना था कि प्री सर्विस और इन सर्विस को हम अलग नहीं कर सकते हैं दोनों बराबरी से उतनी ही ज़रूरत है एक प्रॉपर एक अच्छे टीचर बनाने के लिए ठीक है एन पी एंड इट्स स्ट्रॉ केस फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन बाई इस्टिशिंग द डाइट एंड एस सी आर टी ये इसी का रिकमेंडेशन था कि टीचर एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए एन पी के रिकमेंडेशन के बाद या इसके रिकमेंडेशन के ही वजह से डाइट मतलब डेट इज़ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और फिर एस सी आर टी डेट इज स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है वो सेटअप हुआ ओके okay.

द आचार्य रामा मूर्ति कमेटी इन इट्स रिव्यू ऑफ़ द एन पी नाइनटीन एटी सिक्सर्व एन इंटर्नशिप मॉडल फॉर टीचर ट्रेनिंग शुड भीड बिकॉज द इंटर्नशिप मॉडल इज फोन बेस्ड ऑन द प्राइमरी फील्ड एक्सपीरियंस इन रियलिस्टिक सिचुएशन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्किल बाई प्रैक्टिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आचार्य रामा मूर्ति कमेटी का मतलब प्रोग्राम ऑफ एक्शन नाइनटी था इनका ये क्या था ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन था एन पी नाइनटीन एटी सिक्स का तो इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि इंटर्नशिप मॉडल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टीचर ट्रेनिंग के लिए और इसीलिए इसको अडॉप्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ठीक है जो कि इस स्टेटमेंट से क्लियर है देन यशपाल कमेटी 1993 जिसको हम लर्निंग विदाउट बर्डन कहते हैं यशपाल कमेटी दो आई थी तो सबसे पहली जो थी 1993 वाली इसे हम लर्निंग विदाउट बर्डन कहते हैं तो इसका क्या दैट नोटेड दैट इन एडोक्यट प्रोग्राम ऑफ टीचर प्रिपरेशन लीड्स टू अन क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन स्कूल देर फॉर द बी एड प्रोग्राम शुड ऑफर द पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेशलाइजेशन इन सेकेंडरी और एलिमेंट्री और नर्सरी एजुकेशन यशपाल कमेटी का रिकमेंडेशन था कि जो बी एड प्रोग्राम हो इस पर स्पेशलाइजेशन हो हर का अलग अलग जैसे सेकेंडरी लेवल का भी स्पेशलाइजेशन हो अलग एलिमेंट्री का अलग स्पेशलाइजेशन हो नर्सरी का अलग स्पेशलाइजेशन हो मतलब जो ना जैसे अभी आ रहा है बी एल एड बी एल एड क्या है उसमें एलिमेंट्री एजुकेशन के रिलेटेड स्पेशलाइजेशन होता है जो हम अभी बी एल एड करते हैं ओके okay, जो बी एड है उसमें हम सेकेंडरी लेवल का स्पेशलाइजेशन करते हैं तो ये रिकमेंडेशन यशपाल कमेटी की थी ओके द ड्यूरेशन ऑफ़ द प्रोग्राम शुड आइदर बी वन ईयर आफ्टर ग्रेजुएशन और फोर ईयर आफ्टर हायर सेकेंडरी इन्होंने कहा कि जो प्रोग्राम होना चाहिए आ, टीचर ट्रेनिंग या टीचर एजुकेशन का वो एक साल का होना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद और चार साल का होना चाहिए ट्वेल्थ के बाद हायर सेकेंडरी के बाद ओके सो बाय द ये नाइनटीन नाइनटी एट नाइन्टी नाइन देर फोर्टी फाइव डाइट सेवेंटी सिक्स कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन एंड थर्टी फोर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन सो डैट वॉज बिकॉज ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ एन पी नाइनटीन एंटी सिक्स एंड यशपाल कमेटी नाइनटीन नाइन्टी थ्री ओके द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टू थाउजेंड फाइव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन प्लेसेज डिफरेंट डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑन द टीचर इन्होंने uh, कुछ डिमांड uh, और एक्सपेक्टेशन रखा टीचर के लिए कि एक प्रॉपर एक अच्छे टीचर होने के लिए क्या होना ज़रूरी है तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसके रिलेटेड जिसमें से तीन मैंने यहाँ पे लिखा है कि टीचर नीड टू बी प्रिपेयर टू व्यू नॉलेज नॉट एज एन एक्सटर्नल रियलिटी एम्बेडेड इन टेक्स्ट बुक बट एज कंस्ट्रक्टेड इन द शेयर कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचर लर्निंग एंड पर्सनल एक्सपीरियंस अप्रिशिएट द पोटेंशियल ऑफ प्रोडक्टिव वर्क एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एज ए पेडोगॉगिक मीडियम बोथ इन साइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम एनालाइज द करिकुलम फ्रेमवर्क पॉलिसी इम्प्लीकेशन एंड टेस्ट इन्होंने ये कहा कि टीचर जो है वो सिर्फ किताब में जो चीज़ें हैं बुक में जो चीज़ें हैं बस उसी के रिलेटेड ना पढ़ाए बल्कि वो अपनी टीचिंग लर्निंग और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू भी चीज़ों को क्लासरूम में शेयर करें ओके okay. अपने मेथड ऑफ टीचिंग के थ्रू अपने पोटेंशालिटी uh, से बच्चे को अप्रिशिएट कर पाए और उसको अच्छी से अच्छी तरीके से पढ़ा सके ओके इनसाइड द क्लास रूम एज वेल एज आउटसाइड द क्लास रूम ठीक है करिकुलम फ्रेमवर्क को अनालज करे उसके पॉलिसी इम्प्लीकेशन को और टेक्सट को और उसको एक इम्प्रेसिव और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा सके और एक चेंज ला सके बच्चों में तो ये कुछ एक्सपेक्टेशन है टीचर के रिलेटेड फिर नेशनल नॉलेज कमीशन 2007 नेशनल नॉलेज कमीशन 2007 हैज़ मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन स्कूल एजुकेशन सिंस इंडिपेंडेंस विध रेफरेंस टू ओवरऑल लिटरेसी इन्फ्रास्ट्रक्चर इंड यूनिवर्सल एस एज एनरोलमेंट इन स्कूल ठीक है इन्होंने इसका कंसिडरेबल प्रोग्रेस था स्कूल एजुकेशन के लेके ठीक है uh, और अगर हम टीचर एजुकेशन की बात करें तो उनका यही कहना था कि जैसे कि आईसीटी को मतलब मोर एसेसबल बना दिया जाए टीचर्स के लिए भी स्टूडेंट्स के लिए भी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो बेसिकली आईसीटी पे इन्होंने बात कही टीचर एजुकेशन के रिलेटेड राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट टू थाउजेंड नाइन विच बिकम ऑपरेशन फ्रॉम फर्स्ट अप्रेल टू थाउजेंड टम्पोर्टेंट एप्लीकेशन फॉर टीचर एजुकेशन इन द कंट्री आर टी आर टी ई का भी क्या कहना था कि जैसे कि टी ई टी जो है वो आर टी ई के थ्रू ही इम्प्लीमेंट हुआ है ना टू इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन टी ई टी दैट इज टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर टीचर्स एंड प्रिंसिपल बिकम द एलिजिबिलिटी ओके इन्होंने बोल दिया कि टीचर अगर आपने बी भी कर लिया है लेकिन आपने टी नहीं किया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए है ना देन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन एन सी एफ टी टू थाउजेंड एंड टेन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन टू थाउजेंड टेन हाईलाइटेड दैट द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव टीचर विल बी इफेक्टिव टू द एक्सटेंट दैट इट हैज़ बीन डिलीवर्ड बाई टीचर एजुकेटेड हुआ कॉम्पिटेंट एंड प्रोफेशनली इक्विप फॉर द जॉब ओके

एक्टिविटीज़ के थ्रू डिस्कवरी के थ्रू एक्सप्लोरेशन ऑफ द इन्वॉमेंट के थ्रू एक ऐसी क्वालिटी पैदा कर दे जो उन्हें आगे मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करें है ना उसको चाइल्ड फ्रेंडली और चाइल्ड सेंटर्ड मैनर से आगे बढ़ाए ओके okay. एक टीचर को प्रोफेशनली इक्विप्ड होना है उसके जॉब में कॉम्पिटेंट होना है अपने जॉब में ताकि वो एक बच्चे में एक प्रॉपर चेंज ला सके ओके okay. तो ये तो कुछ ये प्रॉपर फ्रेमवर्क है टीचर एजुकेशन के रिलेटेड द फ्रेमवर्क वाज गाइडेड बाय द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एंड द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 ये दो आ, फ्रेम ये तो एन सी और एक राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कम्पल्सरी एजुकेशन ये दो को आ, के थ्रू ये गाइडेड है ओके okay, ये दो को कंसिडर करके ये पूरा फ्रेमवर्क बना ओके द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी नाइनटीन

और मतलब इसका रिकमेंडेशन ऑल लेवल ऑफ़ एजुकेशन पे है स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन का और टू एस द टीचर ट्रेनिंग एंड टू द एजुकेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इनका रिकमेंड इसी का रिकमेंडेशन था कि फोर ईयर इंटीग्रेटेड बी प्रोग्राम हो डेट कम्बाइंड हाई क्वालिटी कंटेंट पैडोगोजी एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेंट टू ईयर प्रोग्राम टू कंटिन्यू टिल ट्वेंटी और फिर आफ्टर ट्वेंटी ओनली ऑनली दोज इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग अ फोर ईयर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कैन ऑफर द टू ईयर प्रोग्राम ओके तो ये जो डॉक्टर के कस्तूर कस्तूरी रंजन का ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ये सिर्फ एक ड्राफ्ट बना फिर जाके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी सेटअप हुआ या आया डेट अप्रूव बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन ट्वेंटी नाइन जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी दिस ज़ द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ़ द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी एंड रिप्लेस द थर्टी फोर ईयर ओल्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन नाइनटीन एटी सिक्स ये ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी का पहला एजुकेशन पॉलिसी है और इसने थर्टी फोर ईयर्स पुरानी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को रिप्लेस किया है ओके एन सी टी इन कंसल्टे विथ एन सी आर टी विल फार्मुलेट न्यू एंड कॉम्प्रहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन एन सी एफ टी ट्वेंटी ट्वेंटी वन इन्होंने रिकमेंड किया कि एन सी टी एन सी आर टी के कंसल्टेशन के साथ फॉर्मुलेट करे नया कॉम्प्रहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन ओके और ये इसी के रिकमेंडेशन मतलब नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ट्वेंटी के का ही रिकमेंडेशन पे फ़र्दर आगे बढ़ा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी भी ये रिकमेंड कर रहा है कि फोर ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम होना चाहिए और यही अब आगे अब यही इम्प्लीमेंट भी होगा बाई ट्वेंटी थर्टी बस फोर ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा एंड बाय बाई विल ऑफ़ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड डेट बिकम द मिनिमल डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर स्कूल टीचर आपको एट एनी कॉस्ट चार साल का uh, बी एड ही करना है तब आप uh, एक स्कूल टीचर कहला सकते हैं लेकिन अभी जो दो साल एक साल का बी एड किए हैं वो मतलब uh, अभी हैं तो वो मतलब टीचर्स तो अब हैं लेकिन अब आगे जो एजु मतलब जो कोर्सेज हैं जो uh, जो बी एड होगा वो चार साल का होगा जो कि इंटीग्रेटेड बी एड होगा ओके सो होपिंग दैट दिस रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस कमिटीज़ एंड कमीशन विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन एंड दस द स्कूल एजुकेशन एंड इट विल बूस्ट एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री एंड विल रेडिकली ट्रांसफॉर्म आवर एजुकेशन सिस्टम ओके मतलब कि हम उम्मीद करते हैं कि जो रिकमेंडेशंस हमने पढ़ाए कमिटीज़ एंड कमीशन का वो हमारे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को टीचर एजुकेशन को खास के बढ़ाए और तब जाके स्कूल एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट होगा और शायद ये हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी बढ़ाए एम्प्लॉयमेंट जो हमारे कंट्री में कम हो रही हैं उसमें उस थोड़ा बढ़ा बढ़ जाए वो और विल रेडिकली ट्रांसफॉर्म आवर एजुकेशन सिस्टम और एक ट्रांसफॉर्मेशन uh, आए हमारे एजुकेशन सिस्टम में दैट्स ऑल अबाउट कमीशन कमिटीज़ दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू टीचर एजुकेशन और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें और जो बी एड किए हुए हैं या बी एड कर रहे हैं या एम एड कर रहे हैं या नेट uh, की तैयारी कर रहे हैं एजुकेशन में तो उनको ज़रूरी से शेयर करें